वेलकम टू AKTNT फैमिली। अभी ओंकारेश्वर दर्शन करके अभी निकल चुके हैं ममलेश्वर दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन हुआ हमारा VIP कोटे में, और बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। रास्ते में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मतलब शिवलिंग और कलाकृतियाँ बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे ओंकारेश्वर में। अगर किसी को यहाँ पे लेना है तो बार्गेनिंग आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे शिवलिंग और काफ़ी सारी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे मिलती है। बढ़िया निकल चुके हैं दर्शन करके, और ये नैन्सी दीदी फोटो खींच रहे हैं। ममलेश्वर महादेव जाने के लिए ये जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके फिर जा सकते हो दूसरी तरफ ममलेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। पहले ओंकारेश्वर दर्शन करना होता है, फिर उसके बाद ममलेश्वर दर्शन करने अवश्य जाना होता है। भाई ये लोग स्लो स्लो चल रहे हैं, जल्दी से अभी चल नहीं रहे, फटाफट जाना पड़ेगा अभी। के लिए रो रहा है बच्चा हमारा, देखो अभी हंसने लगा। कौन से? अरे आना। ममलेश्वर महादेव शिखर दर्शन। ये जो ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का ये जो है वो ध्वजा है, तो आप डिजिटल माध्यम को दर्शन भी कर सकते हो। अभी हम ममलेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी मंदिर में दर्शन करके निकल चुके हैं, अभी मंदिर का जो परिसर है वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद अभी जाएंगे नर्मदा घाट, उसके बाद जाएंगे पार्किंग।
नर्मदा मैया के किनारे पे है अभी ओंकारेश्वर। हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या है पण ओके ओके ला आपण काय तुझं कर जो हां हां तुझे काय तुझं करू चले आडा भाई छोकरा है शंख बच्चे लोगों ने शंख ले लिया है अभी शंख नाद करके हम निकलेंगे अभी जब तक शंख नहीं बजेगा हम निकलेंगे नहीं यहां से बजा बजा शंख बजाओ ए नीचे नैन्सी चलो चलो भाई संगना हो चुका है अम्बे मात की जय जय माता। अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं ओंकारेश्वर से अहमदाबाद जाने के लिए। अहमदाबाद का टोटल डिस्टेंस है 472 किलोमीटर्स। अभी गूगल जो दिखा रहा है वो 9 hours 26 minutes दिखा रहा है। अगर आपने आगे की वीडियो अगर एमपी ट्रिप की नहीं देखी है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आगे जाइए। और जिस लोगों ने ये भी वीडियो देखा है वो सभी को बहुत ही प्यार दिया है इस वीडियो में, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बना रखिए। हमारी जो चैनल है अभी वो एजिशन कम्प्लीटली हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। अभी ये जो वीडियो है उसका जो टारगेट है लाइक का वो अभी 100 से 200 लिखा हुआ है। देखते हैं आप लोग कितना प्यारी इस वीडियो में बरसाते हो। अभी हमने यहाँ पे पीक खत्म करके वापिस अहमदाबाद नवागाम अरे मारे अहमदाबाद। अभी आप जो देख रहे हो ना ये मछलिया घाट है जो एमपी में आ रहा है, सबसे डेंजर में डेंजर घाट बोला जाता है इसको मछलिया घाट, ठीक है। और रात को 9 बजे के बाद एंट्री भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। अगर सिंगल व्हीकल लेके अगर आप आते हो तो मत आइएगा, कहीं भी स्टे कर लीजिएगा, उसके बाद दिन में ही आप निकलने का ट्राई कीजिएगा। रात को आने के लिए सेफर साइड नहीं है ये मछलिया घाट। आप सब लोगों को इतना बताना था इसलिए मैंने ये वीडियो में डाला हुआ है। और जबरदस्त ट्रैफिक होता है रात को, सिंगल ट्रैक होता है। एक्चुअली एक ही ब्रिज पे मूवमेंट होती है, यहाँ पे दूसरा ब्रिज है नहीं, तो उस हिसाब से ट्रैफिक एक तरफ से रुका जाता है, दूसरी तरफ से भी एक इन होता है एक आउट होता है, ऐसी तरह होता है। तो ट्रैफिक भी आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। और मछलिया घाट पार करते टाइम आप गाड़ी में फ्यूल टैंक भी आप सही से भरवा लीजिएगा, हवा पानी सब चेक करके फिर एंटर होइएगा, वरना अगर बीच में कुछ भी हो गया आपको तो फिर वो सेफर साइड नहीं रहेगा इसीलिए। और फैमिली के साथ आते हो तो खास ध्यान से आइएगा भैया, ठीक है। और अभी हम एमपी में हैं और अभी टोटल डिस्टेंस अहमदाबाद का दिखा रहा है 266 किलोमीटर। अभी 266 किलोमीटर जो है यहाँ से टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है मछलिया घाट का, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। अभी हम उज्जैन ओंकारेश्वर काल भैरव वो सारा जर्नी खत्म करके अभी अहमदाबाद की तरफ मूव हो रहे थे। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैंने रात को भी दिखाया, ऐसे कुछ दिखने है नहीं, पूरी जगह पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, सभी जगह पे ट्रक है और काफी रिस्की रास्ता है मतलब, तो थोड़ा ट्राई करिएगा रात को अवॉइड कर दीजिएगा। खास करके अगर ओंकारेश्वर अगर नाइट को निकलते हो तो आप पहले उज्जैन जाइए, उज्जैन के बाद
ओंकारेश्वर होते हुए यहाँ पे आइए, और ओंकारेश्वर होते हुए पहले आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा 6-7 बजे तक आप ये जो घाट है ना मछली घाट वो पार कर ले। ठीक है, देखो ऐसी तरह सामने से भी ट्रक आते रहते हैं, तो वेरी रिस्की है मतलब आना जाना यहाँ पे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक से सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे कुछ है नहीं रास्ते में, रात को नाइट का टाइम है तो कुछ वैसे भी नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं घर पे जाके। अभी करीबन हमको पहुंचेगा, अभी 4 आवर्स लगने वाले हैं घर पे पहुंचने के लिए, अभी 4 आवर्स लगने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी जो राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक, आप देख सकते हो ये जो मछलिया घाट जाने के लिए जो ट्रैफिक लगता है वो वाला ट्रैफिक है। तो यहाँ पे भी पुलिस ने पूरा मतलब यहाँ पे काफला रुकवा दिया है, आप देख सकते हो ध्यान से पूरा यहाँ पे। हम तो जैसे तैसे कट लगा के यहाँ पे आ गए और निकल भी गए हैं। रात्रि भोजन के लिए अभी रुक चुके हैं यहाँ पे काठियावाड़ी खाने के लिए। अभी यहाँ से अहमदाबाद रह गया है 165 किलोमीटर। बढ़िया भड़तू रोटला सास प्याज।